गाइस, आई गेस कि आपके दोस्तों में वो एक इंसान जरूर रहा होगा जो हमेशा सबसे कटा हुआ लगता, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट, और उसे दूसरों से मिक्स होने में भी दिक्कत आती। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे दोस्त जो पल के झपकते ही किसी से भी घुल मिल जाएंगे। अगर आपने इन दो किस्म के लोगों को देखा है तो कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपने एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट को पहचानना सीख लिया है। पर्सनालिटी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और कैरेक्टर के यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो हर एक इंसान को स्पेशल बनाता है। अगर ब्यूटी आपका अटेंशन कैप्चर करती है तो पर्सनालिटी आपका हार्ट कैप्चर कर सकता है। और उसी पर्सनालिटी टाइप्स में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और कौन बेहतर है। क्या इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के अलावा भी और पर्सनालिटी ग्रुप्स होते हैं? और क्या आप अपने आप को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट या फिर उसका उल्टा बना सकते हैं? सो without any further ado, let us get started with our today's video. Oh friends, introvert or extrovert personality types को popularized किया गया था 20th century के Swiss psychoanalyst Carl Jung द्वारा। इन्होंने इस field में काफी studies और researches करने के बाद theories से अपने patients के different behavior patterns और attitudes को study किया और तब ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि दोनों पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पर्सनालिटीज में अंतर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। और यहाँ तक कि दो सेम पर्सनालिटीज के पीछे भी सेम टू सेम साइकोलॉजी नहीं होता। लेकिन समाज में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक बिलीव्स है, जैसे कि इंट्रोवर्ट्स शर्मीले, रिजर्व्ड और शांत होते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। लेकिन बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आई थिंक कि इतने लूज तरीके से इंट्रोवर्ट्स को डिफाइन करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। फ्रेंड्स, इंट्रोवर्ट्स को ऐसा समझा जा सकता है कि वो बेसिकली अपना समय आउटसाइड वर्ल्ड से ज्यादा अपने ओन थॉट्स और आइडियाज में स्पेंड करते हैं और इसीलिए वो कभी कभी खोए खोए से लगेंगे। अब क्योंकि वो ज्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं करते और लार्ज ग्रुप्स का सेंटर ऑफ इंटरेक्शन नहीं बनना चाहते, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स लार्ज ग्रुप्स को हेट करते हैं। वो सिंपली उनके साथ कंफर्टेबल और एंथुसियास्टिक नहीं फील करते। वो किसी भी ग्रुप में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एनर्जी लूज करने लगते हैं और इनफैक्ट अकेले में ही उनकी एनर्जी रिचार्ज होती है। स्टडीज में पाया गया कि उनकी थिंकिंग काफी डीप और फोकस्ड होती है और उन्हें काम करने के लिए क्वाइट और इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो वन टू वन रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन अ ग्रुप, और इसीलिए इंट्रोवर्ट्स उन करियर्स में सक्सेसफुल पाए गए जिसमें इंडिपेंडेंट चार्ज और कोलैबोरेशन की जरूरत है और ना कि ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ प्रोफेशंस जैसे साइंटिफिक रिसर्च, अकाउंटिंग, राइटिंग, इंजीनियरिंग, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडिटिंग, क्रिएटिव फील्ड्स एटसेट्रा में ये काफी सक्सेसफुल पाए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और हाँ, हमारे अपने मुकेश अंबानी भी बिल्कुल इन्हीं ग्रुप्स में आते हैं जो मीडिया और सोशल लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आते। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट्स डीपली थिंक करते हैं इसीलिए वो रैश डिसीजंस नहीं लेते एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले, और इसीलिए वो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स भी बन सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स सोशल इंटरेक्शंस ज्यादा करते हैं और ग्रुप्स में एंजॉय करते हैं और उसी में एनर्जाइज्ड भी होते हैं। वो यूजुअली ग्रुप्स के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं
और लाउड थिंकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क में काम करते हैं, इसीलिए उनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। कुछ फील्ड्स में एक्स्ट्रोवर्ट्स काफी सक्सेसफुल पाए गए हैं, जैसे ट्रेनिंग मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशंस, डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट्स, टीचर्स, इवेंट मैनेजर्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एक्टर्स एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली, दोनों ग्रुप्स की पर्सनालिटी डिफरेंसेस उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में भी अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है, जो कि इंट्रोवर्ट ग्रुप में उतना देखने को नहीं मिला। इसीलिए शायद ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोगों में कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स की प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक पाया गया। उसी तरह एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को लाउड नॉइस, बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे डिस्टरबेंसेस में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए पाया गया। लेकिन हमारा समाज और इंस्टीट्यूशंस का एक्सट्रोवर्ट ग्रुप के प्रति पॉजिटिव बायस देखा गया है। इंट्रोवर्ट लोगों को वो इतना पॉजिटिवली नहीं देखते, और वो शायद इसीलिए क्योंकि हमें बचपन से ही स्कूल्स में स्ट्रॉन्ग एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज जैसे ग्रुप वर्क, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा सिखाया जाता है। अब फ्रेंड्स, पर्सनालिटी हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। क्या आप जानते हैं कि ये दो पर्सनालिटी ग्रुप्स एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के अलावा भी एक और ग्रुप है जिसको हम एम्बिवर्ट्स कहते हैं। एम्बिवर्ट्स के पास दोनों ग्रुप्स के यूनिक स्ट्रेंथ्स और कैरेक्टर होते हैं। पार्टीज में वो एक्सट्रोवर्ट्स की तरह सभी लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे, लेकिन वही लोग मूवीज और डिनर अकेले एंजॉय करना पसंद करेंगे। एम्बिवर्ट्स सोशल सिचुएशंस में एक्सट्रोवर्ट्स की तरह एक्ट करते हैं और अकेले में इंट्रोवर्ट्स की तरह। रिसर्चेस में लगभग वर्ल्ड के 70% लोग इस ग्रुप के पाए गए हैं। अब फाइनली फ्रेंड्स, क्या आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन सकते हैं? वेल फ्रेंड्स, इसमें अगर आप मेरी माने तो मैं पर्सनली इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट जैसी चीजों को नहीं मानती, और ये सिर्फ सोसाइटी द्वारा एक सिचुएशनल परसेप्शन दिया गया है। हम इंसान किसी वस्तु की तरह तो नहीं है ना कि बस है तो वैसे ही रहेंगे। हमारा दिमाग हर पल चेंज हो रहा है और हमारे बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, चॉइसेस और डिसीजंस इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और हम हमेशा कुछ बनने की ओर बढ़े जा रहे हैं, और ऑब्वियसली हम हमेशा वही सेम इंसान बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन दिमाग से निकाल दो कि आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, बट खुद से ये सवाल करो कि आपको क्या बनना है, क्या बनने से आप एक ज्यादा फुलफिल्ड लाइफ जी पाएंगे, और उस पर्सनालिटी के ट्रेट्स को बस अपनाओ। कुछ महीने में या फिर कुछ सालों में आपकी ब्रेन की वायरिंग बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जिसे आपने खुद ही अपनी चॉइसेस से बनाया होगा। आज आप जो भी है वो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से है जिसमें शायद आपकी चॉइस नहीं थी, लेकिन आज आप अपने इन्फॉर्म्ड चॉइसेस से वो बन सकते हैं जो कि आपको बनना है अपने नए एक्सपीरियंसेस की बदौलत, और इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, इस सोसाइटी के लेवल्स के बीच मत फंसो, क्योंकि आपको डिफाइन करने वाले आप खुद होते हैं, कोई और नहीं। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर सच में पसंद आया है ना, तो याद से एक लाइक बिल्कुल कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर देना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। So, thanks for watching, stay happy and always be curious.